टाइटल में जो भी लिखा है बिल्कुल सच लिखा है, बिल्कुल भी कोई क्लिकबेट नहीं है। YouTube Shorts का एक ऐसा एल्गोरिदम मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप सुन लोगे ना तो हर वीडियो में अप्लाई करोगे। अच्छी बात यह है कि इस एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता रखा है, मेरे दूसरे चैनल की इस वाली वीडियो में। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं आज कोई स्क्रिप्टिंग करके वीडियो नहीं बना रहा हूं, और जब भी कोई स्क्रिप्टिंग वीडियो नहीं बनाता हूं ना तो समझ लेना एडिटिंग बेसिक्स में कम दिखे लेकिन पूरी क्वालिटी कंटेंट होगी। बिना फालतू कोई बात किए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। तो कौन से एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले वो आपको दिखा देता हूं। जब आप वीडियो अपलोड करो, प्रीमियर करो और व्यूज नहीं आएंगे ना, तब आप उस वीडियो को डिलीट कर दो। अगर आपको मोमेंटो पर विश्वास है तो यकीन मानो डिलीट कर देना, लेकिन इस बार डिलीट करने के बाद उसको रीअपलोड करना। क्या है भाई ये शॉर्ट्स को रीअपलोड करने का फंडा? और अगर मैंने वो एल्गोरिदम पहले ही बता रखा है तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बताना तो एक बात होती है लेकिन उसको साबित करना दूसरी बात होती है, और आज हम इसको करेंगे साबित। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा करता होगा कि अपना सीक्रेट बताने के बाद उस चीज को साबित करे। तो इंपॉर्टेंस वीडियो की समझाने की मुझे जरूरत है नहीं, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो की हम स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंडीबेट। क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आप लोग क्या गेम बस देखते ही रहोगे क्या? कमाना नहीं है। इंडीबेट एक बहुत ही सेफ एप्लीकेशन है जहां पर क्रिकेट लवर्स पैसा कमाते हैं। जी हाँ, इंडीबेट पर साइन अप करो, डिपॉजिट करो, लाइव मैचेस देखो और अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करो और अपने पैसे को डबल करो। और अभी स्पेशल ऑफर ये है कि अभी उसमें डिपॉजिट करने पर आपको 5 गुना बोनस अमाउंट मिलेगा, यानी अगर आपने 500 लगाए तो आपको 2500 रुपए का बोनस अमाउंट मिलेगा। तो भाई क्रिकेट लवर्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर इंडीबेट को डाउनलोड करो और कमाओ पैसे। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं और इस चीज को साबित करते हैं। किस चीज को? री अपलोड करने का सिस्टम। एक बार शॉर्ट में फिर से मैं बता देता हूं कि री अपलोड करने का क्या मतलब है। इसका बहुत सीधा मतलब है कि अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद व्यूज नहीं आया, तो एक आम क्रिएटर जो मुझको फॉलो नहीं करता होगा वो क्या करेगा? हार मान जाएगा और अपने नेक्स्ट वीडियो पर काम करेगा। हालांकि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो वो जो नहीं चली हुई है वीडियो उसको फिर से चलाने का, तो क्यों नहीं चलाओ। और इसका ऑप्शन ये है रीअपलोड द शॉर्ट, उसी शॉट को दोबारा रीअपलोड कर दो। लेकिन रीअपलोड जब भी करो उसको प्रीमियर मत करना, नॉर्मली रीअपलोड करना। क्या बात कर रहे भाई, ऐसा करने से व्यूज बढ़ते हैं क्या? तो भाई ऐसा है, ये वीडियो बनाए हुए मुझे काफी दिन हो गया और उस दिन से अब तक बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लगा लगा के इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन किया है। हाँ, इंस्टाग्राम जहां पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया वहां पर मेंशन किया उन लोगों ने और बताया कि भाई आपकी ये ट्रिक काम कर रही है। और काम करे भी क्यों ना, क्योंकि मैं इस ट्रिक को बहुत पहले से यूज कर रहा था और अभी मैं आपको साबित करता हूं। तो यहां पर आता है वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको स्किप मत करना। तो देखो, वो वीडियो डालने के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करी खान सर के ऊपर जिसका टॉपिक था खान सर का टीचर्स डे का प्रसाद, और ये वीडियो 28 सेकंड की थी जिसको मैंने अपलोड किया 6 सितंबर 2022 को। और जैसी अपलोड करी ना तो ये वीडियो नॉर्मली के मुकाबले काफी कम चली, 2 दिन हो गए थे और 2 दिन में केवल 40,000 व्यूज आए थे। तो मैंने क्या किया, उस वीडियो को तुरंत जाकर प्राइवेट किया और उसको रीअपलोड किया और नॉर्मली रीअपलोड किया। और बस क्या किया, उसका टाइटल चेंज कर दिया। टाइटल मैंने यहां पर आप देख सकते हो लिख दिया खान सर का डंडा, बस टाइटल चेंज करना है, बाकी वीडियो वही थी, टैग्स वही थे, डिस्क्रिप्शन वही था। और इसको अपलोड किया मैंने 7 सितंबर को, और अपलोड करने के बाद जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हो 1,62,000 व्यूज इस पर आ गए। तो भाई 4 गुना ज्यादा व्यूज आ गए, ये हुआ कैसे? कैसे कैसे इतना अच्छा एल्गोरिदम मैंने पता किया। देखो, जब शॉर्ट्स आया था तो मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था और मुझको फिर ये पता लगा कि अगर कोई शॉर्ट वीडियो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यूट्यूब शॉर्ट ने उस वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजा ही नहीं। और जब ऐसा, और जब आपका कंटेंट अच्छा हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई कंटेंट तो अच्छा था और तब भी ना चले, तब उसको तुरंत रीअपलोड कर देना चाहिए प्राइवेट करके, क्योंकि नया दिन नया एल्गोरिदम और तब चांसेस बढ़ जाते हैं उस वीडियो को शॉर्ट फीड में जाने के, जैसे कि यहां पर ये वीडियो गई है। तो यहां पर मैंने साबित कर दिया उस बात को जो मैंने अपने उस वीडियो में कहा था। लेकिन केवल साबित करने से काम नहीं चलेगा, आपको बताता हूं मैं कि क्यों ऐसा हुआ कि मैंने जब पहली वीडियो डाली वो चली क्यों नहीं, क्योंकि आमतौर पे तो मेरी हर शॉर्ट वीडियो चलती है, वो वाली वीडियो क्यों नहीं चली? तो उसका रीजन ये है कि उस वीडियो को मैंने काफी लेट अपलोड किया था। आमतौर पे मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड होती है, इस वीडियो को मैंने 7 बजे अपलोड किया था, उस दिन लेट हो गया था और 7 बजे अपलोड करने से क्या हुआ, वो वीडियो चली नहीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी कोई टाइमिंग बनी हुई है शॉर्ट अपलोड करने की तो उसी टाइमिंग पर अपलोड करो, लेट करोगे तो व्यूज यहां पर कम देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में इंडीबेट का लिंक है, वहां से जाकर इंस्टॉल करिए और एप्लीकेशन को यूज करिए। चलिए, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं।